गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है, वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए, लंबे वियोग से, लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने
सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं, आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था, जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की, वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है।